सतारा वाला निलाद्री कुमार आहेत. निलाद्री कुमार, ज्या पद्धतीने आजीवासन, अब्बाजी, गुरुजी हे सगळे नाते बघतो, झाकीर हुसेन आणि तुमच्यासोबतची जुगलबंदी तर लोकांना मंत्रमुग्ध करते. तर काय वाटतं गुरु शिष्य परंपरेमधून जात असताना आणि इतके सगळे दिग्गज त्यासोबत परफॉर्मन्सच्या वर? नमस्कार आपके सब श्रोता और सुनकार और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. और उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ बजाने का जो एक आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होता है वो शायद ही कवि होना पड़ेगा उसको शब्द में बयां करने के लिए. लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ जो एक हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक सीखने का एक मौका मिलता है. उनको बजाते हुए सुनकर देखकर उसके पहले से उनका जो एक जो सिस्टम है उनको अपने म्यूजिकल लाइफ को कंडक्ट करने का, वो हर यंग कलाकार के लिए एक सीख है. तो और आज तो बहुत ही अलग ही मौका है क्योंकि यहाँ पे करीबन 6-7 ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो एक साथ ये मंच पे आने वाले हैं. तो ये बहुत कम होता है, ये बहुत यूनिक सा मौका है. और ये सुरेश वाडकर जी को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने ये सबको साथ में ले पाए और कर पाए. और ये बहुत यादगार रहेगा ये मुझे लगता है. सवाल की गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे संगीत में बहुत पहले से है, शुरू से है, तो क्या लगता है अभी भी गुरु शिष्य परंपरा से क्लासिकल म्यूजिक को उसी स्थान पर ले जाना चाहिए जो कि आगे आने वाले सभी म्यूजिक के आयाम हम देखते हैं? मेरा ये मानना है जो कोई भी संगीत जो अगर स्पेशली हमारी जो शास्त्रीय संगीत है इसको सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता, मतलब इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है जो उसको आप मतलब इग्नोर करना तो दूर, वो आप उसको लाइटली भी नहीं ले सकते. तो गुरु का जो स्थान है वो हमारे संगीत में और हमारे पूरे जो कल्चर में, इंडियन कल्चर में, क्योंकि हम सिर्फ संगीत के बारे में क्यों बात करें, जो हमारे जो एडुकेशनिस्ट जो है, एडुकेशन जो फॉर्मल एडुकेशन बोलिए, जो नॉन फॉर्मल एडुकेशन बोलिए, तो एक जो गुरु का जो स्थान है वो हमारे पहले जो हर इंसान के जो पहले गुरु होते हैं माता पिता. तो आप उस स्थान को अगर गुरु को आप माता पिता का नाम दे दोगे तो आप बोल सकते हैं कि माता पिता की जरूरत है कि नहीं. तो ये वैसी बात होती है. तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु से शिक्षक, फ्रॉम ओल्डर जेनरेशन टू यंगर जेनरेशन, ये जो ट्रांसमिटिंग ऑफ नॉलेज है ये तो इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई रिवर्स प्रोसेस मुझे नहीं लगता है.
आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, खास करके क्लासिकल म्यूजिक जैसे इंस्ट्रूमेंटल हो या परकशन हो, जिस तरीके से आज आप सब परकशन और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सब एक साथ में? म्यूजिक को बढ़ाने का अलग अलग शायद जितने लोग हैं उतने तरीके हैं, और जो सबसे मुझे लगता है मोस्ट इजी एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल तरीका है, जो आप जब श्रोता के सामने बजाए तो उनको आप मंत्रमुग्ध करें, उनको आप ऐसे इन्फ्लुएंस करें म्यूजिक से जो वो उस चीज को अपने भाषा के माध्यम से या फिर वो दोबारा आते हुए कॉन्सर्ट्स में उसका वो एक रोलिंग प्रोसेस चलता रहे। तो ये जो ग्राउंड लेवल पे जो ये जो ट्रांसमिटिंग ऑफ साउंड एंड म्यूजिक होता है, आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट जॉय है, और ये श्रोता के लिए भी नहीं या कलाकार के लिए भी ये अल्टीमेट एक जॉय है। आप एल्बम कर सकते हैं, आप टेलीविजन पे बजा सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जो श्रोताओं के सामने, लोगों के सामने एक कॉन्सर्ट का जो वातावरण है, ये एक्चुअली रियल वातावरण है। सवाल, आप दुनिया भर घूमते हो, बहुत सारे जगह जाकिर भाई भी होते हैं, शंकर जी भी साथ में होते हैं, आप होते हो, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को कैसे देखा जाता है जब आप वहां जाते हो, तो वेस्टर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल, हाउ यू कम्पेयर? हिंदुस्तानी म्यूजिक एक्चुअली जो हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग कलाकार हुए हैं, जो लेजेंडरी कलाकार हुए हैं, जिनमें से पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद अली अकबर खान साहब, ये कुछ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वजह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का वेस्ट में दर्जा बहुत ऊपर है, और उसको बहुत उन लोग रिस्पेक्ट एंड बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड क्रेविंग के साथ देखते हैं, और ये श्रेय सिर्फ उन लोगों को जाता है जो इन लोगों ने उस चीज़ को ऐसे ढंग से उसको पेनिट्रेट किया उनके कल्चर में। और वो जो ब्रिज है, वो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने, जो उन्होंने पंडित जी, रविशंकर जी, खां साहब, अली अकबर खां साहब, विलायत खां साहब, इन लोग के साथ भी बजाया, और फिर बीच में और भी जनरेशन, तीन चार अलग अलग जनरेशन के साथ वो बजा के, वो आज हम लोग मेरे जनरेशन के साथ भी बजा रहे हैं। तो ये जो वो जर्नी है उनका, ही इज़ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर टू फॉर दिस म्यूजिक इन द वेस्ट, एंड उनका ये कहना है दैट जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन द वेस्ट जो उन लोगों ने प्रचार किया है, वो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर है जो उसको किस ढंग से उसको आगे ले जा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, जो हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन है उनके ऊपर है, वो इसको किस ढंग से उसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना काम तो ऐसा किया है जो वहाँ तक पहुँचने में ही वक्त लगेगा पहले। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मी राजेंद्र रौंजे, विशेष कार्यक्रमात तुमचं स्वागत। आपल्या सोबत ख्यातनाम तबलावादक, तालसम्राट उस्ताद जाकिर हुसैन जी, खूप खूप स्वागत आयबीएन लोकमतमध्ये। पहिल्यांदा आयबीएन लोकमतशी आपण सगळे बोलतोय, आणि आजचा दिवस हा गुरुशिष्य परंपरेतल्या एका सोहळ्याचा, उत्सवाचा दिवस आहे, आणि त्या गुरुशिष्य परंपरेचं खरं नातं उस्ताद जी आपल्याला समजावून सांगतील। बहुत सारे तबले के गुरुजन कलाकार हमारे हिंदुस्तान में जीवित हैं, मैं फक्त एक शिष्य गणूंगा। आप मुझे इतना बड़ा गुरु उस्ताद बोला गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी सी बात है। वैसे अब्बा जी जो मेरे पिता हैं, उनके पास मैंने शिक्षा ली, और दो दिन की मेरी आयु थी तब से अब तक वो चल रही है,
वो जाके कहीं और विराजमान हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है वो हमको उनके टेप से कभी कभी सपने में मिलती रहती है। तो वो शिक्षा चल रही है और वो चलती रहेगी। और आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें हमारे पिताजी का भी एक तरीके से हाथ है जी। वो ऐसे हैं कि मेरे पिताजी और आचार्य जीएलएल जी मतलब बचपन के दोस्त मित्र कहना चाहिए, क्योंकि वो एक ही प्रांत के हैं, तो वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपस में मिलना जुलना होता है। और संगीत की जो दुनिया है वो एक छोटी सी दुनिया है, एक एक क्लीक है जिसमें सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उनका आचार्य जी का मेरे पिताजी से रोज़ का मिलना रहता था, और शिव जी के पिताजी, शिव जी, ये सब एक साथ काफ़ी मिलते जुलते रहे। तो बचपने का उनकी जो दोस्ती थी वो सिर्फ जम्मू तक ही नहीं रही, बल्कि जब वो बम्बई आ गए तो बम्बई में भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहा, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं लोग अपने प्रांत के लोगों को ढूंढते हैं कि यहाँ कोई अपना प्रांत का मिले तो उससे उस भाषा में बातचीत हो, उस टाइप का खाना हो या गाना बजाना हो, तो वो रहा। तो उसी वजह से और उसी कारण मेरी भी मुलाकात सुरेश भाई से हुई। तो हम भी जब छोटे छोटे से थे तो तब से आचार्य जी के यहाँ बांद्रा में जाना होता था, तो वहाँ पर सुरेश जी का भी आना और उनका भी वहाँ सीखना। तो बचपने से ये जो एक हमारा भाईचारा है, एक ही पेड़ के जो शाखाएं हैं उसमें से हम लोग दो हैं, तो वो रहा। और बचपने में फिर हम लोग म्यूज़िक कंपटीशन में भी जाया करते थे, तो जहाँ पर सुरेश जी और मैं आपस में, हमारा आपस में तो नहीं, उनका वोकल में कंपटीशन तो मेरा इंस्ट्रूमेंट में कंपटीशन ऐसा होता। तो ये मुलाकात तब से है, और ये जो सीखने की जो हमारी एक क्या कहते हैं, जो एक फाउंटेन है जिससे हम सब ने सुर और ताल की शिक्षा ली, वो हमारे साथ अभी भी है। और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ आज उनकी मतलब सालगिरह पे, उनकी 7वीं सालगिरह है, शताब्दी वर्ष, शताब्दी जिसको कहना चाहिए। मैं शताब्दी इससे नहीं कहता कि आजकल शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह ये सब निकल आई ट्रेनें, तो उसका महत्व जो कहे कम हो गया। तो ये जो वर्षगांठ है उनका, उनका जो एक सिद्धि पूरी जो हुई है, और सिद्धि कहना बेटर है क्योंकि उसी वो साधना से मिला हुआ है। हमने देखा कि जो स्पेशल किड्स है, तो स्पेशल किड्स भी इतने अपनेपण से, मतलब कि आपण ज्याला म्हणतो मराठीत की खूप मध्ये जाऊन आतमधून साधना करून बरोबर ते सादर करतात, आणि सुरेशजींनी त्यांना इतक्या उत्तम पद्धतीने घडवलं, तर तुम्ही त्याच्यात कसं बघता त्या स्पेशल किड्स? सुरेश जी देखिए, हमारे जो मिथोलॉजी है उसमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नजर आते हैं जो उसको लोग वोट करते हैं कि इंसान हो तो ऐसा हो, गुरु हो तो ऐसा हो, और शिष्य हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, होता है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो अगर तो किसी ने जो गुरु सेवा की है और गुरु का खून ना होते हुए भी ऐसी सेवा की है जो कोई अपना भी नहीं कर सकता, एक तो ये,
और दूसरों मतलब जो उन्होंने किया अजीवासन बनाया गुरु के नाम पे रखा, और ये जो उन्होंने एक सोच थी, ये सोच तो आचार्य जी की बहुत पुरानी सोच है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, और मेरे ख्याल से ये एक तरीके की गुरु क्या कहते हैं दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा जो उन्होंने दी है, और ऐसी गुरु दक्षिणा की मिसाल हमारे जमाने में नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैं तो सुरेश जी का मतलब इतना आभारी हूँ कि एक तो उन्होंने अपने काम से और अपने आप जैसे हैं उससे एक मिसाल कायम की है, और हम लोगों को जो अपना दोस्त और भाई बनाया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमको अब उनकी दुनिया में इंक्लूड किया है। एक आखरी सवाल राकेश भाई की गुरु शिष्य परंपरा ही आपण सगळे बघतो शास्त्रीय संगीतात, खास करून अब्बाजी असेल तुम्ही असेल आता तौफिक भाई हो या सगळ्याच्या आणि बाकी शास्त्रीय संगीतातले गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ही पुढे शास्त्रीय संगीताला किती महत्व देऊन जाईल? देखिए राजन भैया, गुरु शिष्य की परंपरा जो है वो पुराने जमाने से चली आ रही है, वाल्मीकि की रामायण में है, तुलसी की रामायण में है, और महाभारत में है, और गुरु की जो शिक्षा है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भगवद गीता है जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जी वहाँ पर। तो वो सब एक ऐसा सिस्टम हमारी मिथोलॉजी में एक इतिहास में है कि उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन इतिहास जैसा था वैसा अब नहीं है, अब दुनिया बदल गई है। अब ऐसा सोचते हैं, और उस जमाने में भी ऐसा था कि जब बेटा बड़ा हो जाता था तो वो अन्न ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए घर छोड़ के जाता था, और या सिपाही बन गया या कुछ हो गया, वो होता था तो घर से दूर जाना ही पड़ता था। आज का जो है घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, पहली तो ये, और दूसरी बात यह है कि हमारे रहन सहन के तरीके बदल गए हैं, और तीसरी बात यह है कि एक ज़माने में गुरु को महाराज आश्रम दे दिया करते थे कि तुम यहाँ बैठो, तुम सिखाओ, और अनाज दाना वगैरह जो भी चाहिए वो सब तुम्हारे लिए है, और हमारे बेटों को बेटियों को सबको तालीम शिक्षा सब तुम देना। तो ये होता था, तो उस वक्त गुरु को ये चिंता नहीं होती थी कि क्या करना है। आज के गुरु को चिंता होती है कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, मकान अगर लेना है तो उसकी डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, ये सब सोचना पड़ता है। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो गाना बजाने का जो शिक्षा है, ये जो ट्रांसमिशन है, उसका तरीका बदल गया है। तरीका जरूर बदल गया है लेकिन ट्रांसमिशन वही है। तो आज को पंडित जसराज जी अपने साथ अपने शिष्यों को ले जाते हैं, घर में रखना मुश्किल होता है, लेकिन कहीं प्रोग्राम होता है तो अपने साथ ले जाते हैं कि मेरे साथ चलो एक दो दिन मेरे साथ रहो। तो हमारे पिताजी का भी ऐसा ही था कि हमारे घर पे योगेश या आदित्य वगैरह या प्रफुल्ल सब लोग आते थे, घर पे बैठते थे सारा सारा दिन और रियाज होता था, और फिर रात को अपने घर चले जाते थे। तो जब से उन्होंने काम शुरू किया तो उसके बाद फिर यही होता था कि महीने में दो तीन दिन ऐसा, तो ये चल रहा है। लेकिन गुरु का जो ट्रांसमिशन जो शिष्य को मिल रहा है वो ही है, गुरु बैठ के शिष्य को सिखा रहा है, लेकिन आश्रम जैसा जो वातावरण है वो नहीं है, नहीं, लेकिन शिक्षा वही है। शिक्षा वही है। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई हमसे बात करते हैं।